फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 30 रेसिपी। फ्रेंड्स, दिवाली की नाश्ते की तैयारी हर घर में शुरू हो गई होगी और हर घर में देखा जाए तो एक रेसिपी, एक वैरायटी तो होती है जो होती है चकरी। अलग अलग टाइप से, अलग अलग रेसिपी से बहुत सारी अलग अलग टाइप की चकरी बनती है। तो आज हम बनाते हैं मूंग दाल की चकरी, बहुत ही टेस्टी और एकदम ही यम्मी। तो आइए बनाते हैं मूंग दाल चकरी। तो फ्रेंड्स, मूंग दाल चकरी बनाने के लिए हमें लिया है 1 कप जितना मूंग दाल। नाप के लेना है हमें, जो कप से हम मूंग दाल लेते हैं वही कप से हमें लेना होगा मैदा। तो 1 कप मैंने मूंग दाल लिया है और उसे 2 कप पानी के साथ बॉईल कर लिया है। 4 विसल तक हमें बॉईल करके रखना है और एकदम अच्छे से ये मैश हो जाना चाहिए, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो मैंने 2 कप पानी के साथ इसे बॉईल कर दिया था और मैश करने के टाइम पे मैंने 1 कप पानी और ऐड किया, मतलब मैंने टोटल 3 कप पानी का यूज किया है। तो ये हो गई हमारी मूंग दाल। उसके साथ हमें लेना है 3 कप मैदा। जो नाप से हमने मूंग दाल ली है वही नाप से हम मैदा लेंगे, 3 कप मैदा। और साथ ही में थोड़े बहुत स्पाइसेस हैं जो इजीली घर में अवेलेबल रहेंगे। 2 कप है धनिया जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच है हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच जितना है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जितना है काला मरी पाउडर, 1.5 चम्मच जितना तिल है, 1/2 चम्मच जितना अजवाइन है और साथ ही में है नमक अराउंड 1.5 चम्मच जितना। तो बस हमें सारे मसाले खाली इतना ही यूज करना है, बहुत सारे स्पाइसेस यूज नहीं करना है चकरी में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें मैदा की एक प्रोसेस करनी है। मैदा को हमें बॉईल करना है, ड्राई बॉईल करना है और कुछ हमें इसके अंदर यूज नहीं करना है, ऐड नहीं करना है। तो ये मैंने पतला चुन्नी का कपड़ा ले लिया है, कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं, लेकिन हो सके तो कॉटन का कपड़ा ही यूज कीजिए और बस साफ सुथरा कपड़ा हो, इतना काफी है। तो ये सारा आटा मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और अच्छे से हमें टाइट कवर करना है, एकदम टाइट बांधना है ताकि अंदर जो बाफ है वो ना जाए और पानी जो है वो भी अंदर जाना नहीं चाहिए, उसका बहुत ही ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, हमें पूरा इकट्ठा करके कपड़ा एक प्रॉपरली हमें बंद कर लेना है, गांठ मार देनी है और एकदम अच्छे से घट बांधना है ताकि बीच में खुल ना जाए या तो फिर इसके अंदर पानी ना चला जाए। तो बस ये रेडी हो गया है, अभी हम इसे बॉईल करेंगे। एक बर्तन के अंदर हम रखेंगे, इसे कवर नहीं करना है, ओपन ही रखना है और हम बॉईल करेंगे कुकर के अंदर। कुकर में मैंने नीचे पानी रख दिया है, एक स्टैंड लगा दिया है और बस कवर कर देना है। फ्रेंड्स, कवर करने के टाइम पे एक बार ध्यान रखिए, अगर आपका ढक्कन का पानी इसके अंदर गिरेगा तो आटा जो है वो गीला हो जाएगा, इसीलिए आप हो सके उतना फ्लैट कर दीजिए, दबा दीजिए ताकि ये ऊपर का एक्सेस कपड़ा जो है वो ढक्कन को लगे नहीं। अभी मैं कवर कर लेती हूँ और 3 विसल तक हम इसे कुक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आटा है वो एकदम ही अच्छे से बॉईल हो चुका है और कुकर का प्रेशर भी रिलीज हो गया है और ये गर्मा गर्म आटा है अभी। तो हमें इसे कपड़े के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बॉईल किया हुआ आटा एकदम रेडी है, तो हमें कपड़े से हम निकाल लेते हैं बाहर और इसे हम गर्मा गर्म ही क्रश कर लेंगे। गर्मा गर्म क्रश करने के लिए ये बहुत ही गर्म होगा फ्रेंड्स, हम हाथ नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए हम वाटी लेते हैं और उसे मैश करते हैं। अगर ये ठंडा हो गया तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा, तो हार्ड हो जाएगा तो हम बिल्कुल भी इसके टुकड़े नहीं कर पाएंगे और ये बिल्कुल भी काम का नहीं रहेगा, इसीलिए हमें गर्मा गर्म इसे मैश कर लेना है, खुला कर लेना है तो ही ये इजीली
यूज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस हमने क्यों किया, बिकॉज मैदे के अंदर बहुत सारा ग्लूटेन रहता है। अगर हम कच्चा मैदा को हम पानी के साथ मिक्स करके अगर रोटी बनाते हैं तो भी उसके अंदर बहुत ही खिंचाव रहता है, तो इसके अंदर का ग्लूटेन कम करने के लिए, इसको कुरकुरा खुसखुसित बनाने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। गेहूं के आटे के साथ भी आप सेम प्रोसेस करके ये चक्री में ऐड कर सकते हो। गेहूं का आटा भी हम इसी तरह प्रोसेस करने के साथ मूंग दाल के साथ हम चक्री बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने पूरा आटा एकदम ही खुला खुला कर दिया है और एकदम ही मस्त से हमारा आटा भी रेडी हो गया है। अभी इसके अंदर हम सारा मसाला ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स सारा मसाला का मेजरमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप एक बार उधर से रेफर कर लीजिएगा। मैंने पहले भी बता दिया है हमें कितनी क्वांटिटी में सारे मसाले लेने हैं, तो हम एक साथ ये सारे मसाले ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद सारे सूखे मसाले हम एकदम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सारे मसाले हमने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। हम इसके अंदर ऑयल का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, बिकॉज हमने जो प्रोसेस की है मैदे के साथ तो उसी से हमारी चकरी जो है वो बहुत ही क्रिस्पी और एकदम ही क्रंची बनने वाली है। तो फ्रेंड्स अभी इसके अंदर धीरे धीरे ऐड करना है हमें मूंग दाल को। हम एक साथ नहीं ऐड करेंगे, धीरे धीरे ही ऐड करेंगे ताकि हमें पता चले कि आगे जाके हमें कितना मूंग दाल ऐड करना है, हमारा जो आटा है वो कितना मूंग दाल एब्जॉर्ब कर सकता है। तो फ्रेंड्स हम धीरे धीरे सारी मूंग दाल इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा जो आटा है वो हमने मल लिया है, और ना ही बहुत सॉफ्ट और ना ही एकदम हार्ड, ऐसे हमारा आटा जो है वो हमें प्रिपेयर करना है। और मैदे की कंसिस्टेंसी, उसकी पानी खींचने की कंसिस्टेंसी के ऊपर आपकी दाल की क्वांटिटी डिपेंड होगी। अभी मैंने जो क्वांटिटी दिखाई थी उसमें से मेरा 2 चम्मच जितनी दाल बच गई है, तो ये हम दूसरे दिन चावल में वगैरह यूज कर सकते हैं। थोड़े थोड़े ऐसे दाने अगर रह गए हैं तो आप उसे हाथों से ही मैश कर सकते हैं। तो ये हमारा चकरी के लिए आटा तैयार है। तो फ्रेंड्स हमने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है फ्राइंग के लिए, और हम ये संचे के अंदर चकरी का आटा फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें संचे को ग्रीसिंग करना होगा। ये हमारा चकरी का प्लेट है और बहुत ही बढ़िया चकरी इसके अंदर बनती है। तो फ्रेंड्स इसे हम ग्रीसिंग कर लेंगे ऑयल से, हल्का सा ऑयल वाला हाथ करके चकरी की प्लेट पे और ये मशीन की साइड्स में हम लगा देंगे, और इसे वापस हमें बॉटम पे रख देना है। तो हमारी चक्री का मशीन जो है वो रेडी हो गया है। तो इसके अंदर हमें फिल करना है आटा, तो आटे को हम लेंगे थोड़ा सा और एक बड़ी सी लंबी सी लोई बना के इसके अंदर फिल कर देंगे। पूरा फिल करना है इसलिए हम थोड़ा और इसके अंदर ऐड कर देंगे।
तो ये हमारा मशीन संचय है वो पूरा फिल हो गया है। हमने लास्ट बॉटम प्लेट पे भी ऑयल ग्रीस कर लिया है। इसे हम कवर कर लेते हैं। और प्रॉपर हम इसे बंद कर देते हैं। तो बस अभी हमें इसे गोल घुमाना है और हमें चक्री को शेप देना है। फ्रेंड्स, चक्री के शेप में आप बाहर देखने जाए तो एकदम प्रॉपर साइज में मिलती है। उसके लिए वो लोग काउंट करते हैं या तो कोई एक मोल्ड रखता है जिसके अंदर वो प्रॉपर चक्री बना सके। इसीलिए हम लोग सेम साइज बनाने के लिए हम चक्री का जो लेयर्स है वो काउंट करेंगे। सबसे पहले हम छोटा सा राउंड बना देंगे और उसे ही हम गोल घुमाते रहेंगे ऊपर से और नीचे से भी, हाथों से टर्न करते रहना है। ये हमारा दूसरा लेयर हो गया। ये हमारा तीसरा लेयर हो गया। और ये चौथे लेयर पे हम कट कर देते हैं। 1 2 3 4 फोर लेयर की हम चक्री बनाएंगे और हर एक चक्री में हम इतने ही लेयर बनाएंगे तो हमारी सारी चक्री की साइज और शेप एक से रहती जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ऑयल है वो भी एकदम ही गर्म हो गया है। हमें एकदम ही तेज आंच पे इसे एकदम ही हॉट ऑयल करना है ताकि जो हमारी चक्री है वो तेल के अंदर जाते ही फट ना जाए और टूट ना जाए। तो हमारी ये चक्री देख सकते हैं आप, मैंने सारी प्रिपेयर कर ली है और इसे हम हल्के से हाथों से उठा के ऑयल के अंदर छोड़ देंगे। एक टाइम में 3 या 4 आप अपनी कढ़ाई के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अभी हम गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे। गैस की फ्लेम एकदम स्लो नहीं करनी है, मीडियम आंच पे ही हम बाकी की चक्री को फ्राई करेंगे और तुरंत ही हम करछी से मिक्स नहीं करेंगे, घुमाएंगे नहीं। अगर तुरंत ही हमने करछी से घुमा दिया तो हमारी जो चक्री है वो टूट जाएगी। एक लेयर उसका कड़क होने दें और उसके बाद उसे टर्न कीजिए। अब देख सकते हैं हम फील भी कर पाएंगे कि हमारा जो चमचा है वो हमारी जो टर्निंग करने के लिए हम जो यूज करते हैं, फ्राइंग करने के लिए जो यूज करते हैं, उसे हम फील भी कर पाएंगे कि हमारी जो चक्री है वो क्रिस्प हो गई है। तो बस इसे टर्न कर देते हैं और टर्न करके भी इसे हम वापस पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारी जो चक्री है वो फ्राई हो गई है और ऊपर जो बुलबुले आते हैं वो बहुत ही कम हो गए हैं। तो इसका साइन है कि हमारी जो चक्री फ्राई होके रेडी हो गई है। उसका कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त ब्राउन कलर आ गया है। तो बस इसे अभी हम बाहर निकाल लेते हैं और दूसरे बैच को ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, रेडी हो गई है हमारी मजेदार सी चक्री, बहुत ही मजेदार और टेस्टी। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा ये दिवाली पे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल धरतीस रेसिपी। देखते रहिए मेरा चैनल धरतीस रेसिपी।